हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर आर एसएससी एग्जामिनेशन तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि हमारे एसएससी एस सी सीजल दो में पूछे गए हैं और इस वीडियो में भी हम लोग सीजल दो में पूछे गए सवालों का ही डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग सीजल बाईस में एंटोनिम्स के क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहे हैं देखिए अगर आप लोग इन वीडियोज़ को जितने भी हम अभी आठ वीडियो नौ नवा वीडियो आपका ये है इतने वीडियोस अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि सिर्फ इनमें नंबर ऑफ वीडियोस हमारे भले कम हो बट उसके बाद आपको जितना क्वांटिटी मिलेगा वो बहुत ज्यादा आपको वोकेबलरी मिल जाएगी यानी कि अगर आप सिर्फ ये आठ दस वीडियो भी देख लेते हो तो अच्छी खासी वोकेबलरी आपकी तैयार हो जाएगी क्योंकि तो इसमें मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक शब्द के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं जितने भी आसपास से जितने भी उसके वर्ड हो सकते हैं उन सबका डिस्कशन हम लोग करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर इसलिए आप लोग इन वीडियोस को बहुत केयरफुली बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि तो इनसे जो वो हम लोग जो इसमें कंटेंट देख रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ही ध्यान से इसको बहुत सीरियसली लीजिए इन चीजों को ठीक है तो हम लोग आज के वीडियो में भी सीजल दो और सीज बाईस के टीयर वन और टीयर टू में पूछे गए एंटोनिम्स का डिस्कशन करेंगे ऑफिसर्स बैच ये हमारा है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं इसमें हम लोग मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग चारों ही सब्जेक्ट कवर करते हैं यह हमारा प्राइस है नाइन मंथ्स की वैलिडिटी आपको इस कोर्स में मिल जाती है ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है मतलब अगर आपको एसएससी uh, की तैयारी आर के साथ करनी है एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी तो आप ये कोर्स परचेज कर लीजिए उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है इसके अलावा जीएस का बैच है आपका ये जिसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है अगर आप जीएस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इट मीनस दैट इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग हिंदी वेल देन यू कैन ज्वाइन दिस जीएस बैच इन विच एवरी टीचर इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश अदर देन दैट आप आप इसी जी, जी एस वाले बैच को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं जिस माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इसके अलावा द्रोणाचार्य बैच है इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट का इकट्ठा सब्सक्रिप्शन मिलता है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन मोबाइल डेस्कटॉप पीडीएफ इंग्लिश हिंदी वीडियो नोट्स आपको मिल जाते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश that again if you are from a non hindi speaking state where you want to learn english in english language then you can join this batch in this particular batch we are we have covered everything in english and uh, uh, almost uh, most of the grammar has been completed in this batch so you can join this batch mm -hmm. इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आप इस इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें ग्रामर कंप्लीट है वो कैप कंप्लीट है आरसी सारे सेक्शंस इसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड पड़े हुए तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो आप बिंज वॉच करके पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं और जैसे कि ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इनका अर्ली एक्सेस भी आपको इस कोर्स के थ्रू मिल सकता है क्योंकि तो हम लोग सारे वीडियोज पहले हम कोर्स में डाल देते हैं ठीक है यूट्यूब पर वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है तो इसमें ग्रामर वो कैप कॉम्प्रेंशन सारी चीजें आपको मिल जाती है आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं ऐप के जरिए अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगी इसके अलावा अगर आप आ, आ, हमारे कोर्सेज को वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अब तक तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए वहां पर सारे अपडेट्स पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए वहां से आप पेड क्लासेस में जाएंगे उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिलेगा इसके अंदर आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो दो सेक्शन खुलते हैं पीडीएफ और इंग्लिश का आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा प्रीवियस ईयर बुकैलरी यहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा प्रीवियस इस पे आप क्लिक करोगे इसके अंदर आपको और पीडीएफ दोनों मिल ठीक है तो कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा था एक बार इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कोलोसल हमने पढ़ा था इसका एंटोनी मैंने आपको टाइनी बताया था इनॉर्मस इसका नेम बताया था आपको मैंने इनॉर्मस जॉइंट जैगेंटिक मैमथ वास्ट ह्यूज माइटी ट्रिमेंडस प्रोडिजियस uh, मॉन्टेनियसने देखे थे इसके अलावा हमने कोलोसल contemptuous रिमार्क जो किसी की बेइज्जती करने वाला रिमार्क नॉक्शियस मैंने हार्मफुल बताया था डेसोलेट अकेला आपका बताया था मैंने आपको इसके बाद में हमने पढ़ा था प्लेसिड प्लेसिड काम composed, इक्वेनिमस बहुत ही शांत रहने वाला ठीक है

अनकंसर्न uh, है और कैजुअल ड्रेस आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आपसे पूछते हैं कैसी ड्रेस चाहिए आपको कैजुअल ड्रेस चाहिए या फॉर्मल चाहिए जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखा तो ये कैजुअल में काउंट हो जाता है फॉर्मल में शर्ट टाई वगैरह फॉर्मल में काउंट हो जाता है एमोरोज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर हो जाता है ये सिनोनिम्स हमने पढ़े थे आपके इसके अलावा हमने ऑफेन पढ़ा था ऑफेन का एंटोनिम मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूजुअली ठीक है सेल्डम सॉरी ऑफेन का एंटोनिम मैंने आपको बताया था सेल्डम आपका यूजुअली इसका सिनोनिम था ओके okay. इसके अलावा होता है है आपका ये इसका इसका एंटोनिम था था बताया था, एफ्लुएंट, इसका एक होमोनिम मैंने बताया था एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है आपका इसका इसका एक एंटोनिम मैंने मैंने बताया था e इसका मतलब लिक्विड वेस्ट सीवेज पानी में बहाया जाने वाला कचरा ठीक है फिल्थी रिच इसके अलावा इंसॉल्वेंट बैंक रूड इन रेड इम्पावरिस्ट पेन्यूरियसियस इंपेनियस बस्ट ब्रोक कैसा नेट जिन्होंने बताए थे बस्ट से मैंने आपको कई वर्ड बताए थे बस्ट मतलब भांडा फोड़ करना भी था बस्ट मतलब मूर्ति भी था इसके अलावा मैंने मैनेकिन बताया था मैनेकिन बताया था आ, इसके अलावा आपको स्टैचू बताया था आइडल्स बताया था ओके वेल फिल्थी रिच प्रॉस्परस ऑपुलेंट वेल ऑफ कंफर्टेबल डीप पॉकेट विद डीप पॉकेट प्रोपर्टाइज प्लूटोक्रेटिक सारे सिनेम हमने देखे थे इम्पावरिस्ड पेक्यूनियस इम्पेक्यूनियस रून पेन्यस पॉपराइज नीरी इम्पेक्यूनियस पेन्यम हमने इसके देख लिए थे आ, इसके अलावा स्टेबल मतलब होता है स्टेबल गवर्नमेंट म्यूटेबल इसका जो चेंजेबल हो जाता है एंटोनिम हो जाता है ड्यूरेबल सिनोनिम हो जाता है ल्यूक्रेटिव आकर्षक परमानेंट आपको पता है ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम हमने यहाँ पर देखे थे स्नियर मतलब होता है किसी का माँ मजाक उड़ाना तो सिनोनिम इसका हो जाता है एंटोनिम हमने बताया था इसका लॉडेड प्रशंसा करना ठीक है

सिंक ड्राउन आपको मैंने पढ़ा रखे हैं. सिंक मतलब किसी शिप का डूबना ड्राउन मतलब इंसान का डूबना, डूबनाइज मतलब बोट का पलटना ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं. ड्राउन ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं स्ट्रॉलिंग मतलब टहलना परेड आपको पता है क्रिएट आपको पता है ठीक है स्ट्रॉल मतलब स्ट्रॉल रोम लॉन्डर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोम लॉइटर ये सारे मैंने आपको कराए थे एम्बल मियडर रोम लॉइटर प्रोमिनेट डॉडल वॉक ये मैंने आपको कराया हुआ है हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है जो हॉस्पिटैलिटी मतलब कॉर्डियलिटी है आपका कोल्डनेस इसका एंटोनिम मैंने आपको बताया था यहाँ पर रैथफुल गुस्सा कंप्लेंट आपको पता है ठीक है यहां तक की चीजें हमने पढ़ रही थी अगला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर पूछ रहा है रेबेलियन रेबेलियन का आपसे एंटोनिम पूछता है रेबेलियन होता है रेबेल से बनता है ये वर्ड ये वर्ड बहुत आजकल आता है आपका कब आपने सुना होगा अक्सर आता है जब भी ऑपरेशन लोटस होता है या किसी भी राज्य की सरकार पलटती है तो क्या कहा जाता है इतने बागी विधायक कैसे विधायक बागी तो रेबेल क्या हो जाता है रेबेल हम या रेबेलियन कहते हैं बागी को ठीक है टाइगर श्रॉफ वाली नहीं बागी का मतलब हो जाता है वह व्यक्ति जो नियम कायदा कानून नहीं मान रहा है उसे कहते हैं रेबेलियन वो रेबेल हो गया मतलब अब नियम कायदा कानून से वो नहीं चल रहा है उसे कह देते हैं ओके तो अलॉटमेंट आपको पता है सेडिशन मतलब हो जाता है आपका सेडिशन कहते हैं हम आ, सेडिशन का चार्जेस लग जाते हैं आपने देखा होगा अक्सर जैसे कन्हैया कुमार पे सेडिशन का चार्ज लगा था तो सेडिशन मतलब हो जाता है देशद्रोह ठीक है अब सेडिशन का चार्ज जब आजकल किसी के ऊपर लगता है तो वो सेडिशन देशद्रोह से ज्यादा सरकार द्रोह हो जाता है अब सरकार कोई देश मान लो तो सेडिशन हो जाता है कोलोनियल एरा से ये चलता चला आ रहा है इसीलिए कई बार इसे

अलॉटमेंट मतलब किसी को कुछ अलॉट कर देना कोई पद दे देना अलॉट करने के अर्थ में आ गया Sedition मतलब मैंने आपको द्रोह बता दिया अपराइजिंग मतलब हो 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 गया जनता का होना अपराइज रहा हो रहा रहा है हो रहा है हो रहा है पुनर्जागरण और लॉयल्टी मतलब जो लॉयल है तो ये बागी जो है ये बात नहीं मान रहा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा लॉयल्टी इसीलिए मैं एंटोनिम्स लर्न करने में बिलीव नहीं करता आप सिरोनम्स याद रखो एंटोनिम्स अपने आप हो जाएंगे हमारे तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाता है लॉयल्टी ठीक है अब जरा रेबेलियन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं लेट्स सी इट्स सिनोनिम्स तो चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे सिनोनिम्स हो जाते हैं हमारे इसके अपराइजिंग मैंने बताया रेबेलियन हो गया आपका सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे अपराइजिंग वही जो अपराइज हो गया एकदम से मतलब एक भड़क गया है आप चीजों को नहीं मान रहा है तो यह भी आपका सिनोनिम में चला जाएगा रिवॉल्ट हो जाना रिवॉल्ट ऑफ रिवॉल्ट आपने पढ़ा होगा क्या रिवॉल्ट ऑफ 1857 करके पढ़ाया जाता है ठीक है तो 1857 का विद्रोह रिवॉल्ट क्या हो जाता है विद्रोह कर देना सरकार के खिलाफ किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना क्या कहलाता है कर देना उसी से वर्ड बनता है रिवोल्यूशन रिवॉल्ट से ही वर्ड बनता है रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन मतलब क्या हो जाता है क्रांति रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है क्रांति ठीक है इंसरेक्शन इंसरेक्ट मतलब क्या होता है रिसरेक्ट इसी से एक वर्ड बनता है देखिए जैसे कि रिसरक्शन uh, आता है जीसस जीसस क्राइस्ट का resurrection हुआ था वो पुनः खड़े हो गए थे जीवित हो गए तो उसी से आता है resurrection. तो इंसरेक्शन हो गया वहीं से म्यूटिनी म्यूटिनी आपने सैन्य विद्रोह कहा जाता है म्यूटिनी को आपने अठारह का जो सैन्य विद्रोह था उसे म्यूटिनी कहा जाएगा सैन्य विद्रोह ठीक है रिवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया इंसर्जेंस इंसर्जेंस हो गया इंसर्जेंस मतलब भी विद्रोह होता है और उसी से वर्ड बन जाता है इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी कहां हुई थी पंजाब में जब जो पूरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और जो पूरा इंदिरा गांधी के समय का जो पीरियड था उसे इंसर्जेंसी का पीरियड कहा गया जब वहां के लोग विद्रोह कर रहे थे राइजिंग हो गया राइटिंग राइट में आता है स्पेशली जो वर्ड है राइट right, ये दंगों के लिए आता है दंगा भड़कना के लिए आता है राइट्स हो गए हैं वहां पे ठीक है राइट हो गया सिविल डिसोबिडियंस असहयोग आंदोलन सिविल डिसोबीडियंटबीडियंस में भी क्या है लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं असहयोग हो गया सिविल डिसऑर्डर हो जाता है इसी को अनरेस्ट फैला हुआ है वहां पर जैसे आ, जैसे आपने वो असुरटू देखी हो तो उसमें अनरेस्ट फैल जाता है देश में मतलब ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया अनरेस्ट फैल गया है उसको कहेंगे अनारकी मतलब हो जाता है अराजकता अराजकता फैल जाने को हम कहते हैं अनारकी ठीक है फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स मतलब आप स्ट्रीट्स में लोग लड़ रहे हैं ये वर्ड क्या लिखा है कूप ध्यान दीजिए कूप नहीं लिखा है इसे जब आप पढ़ोगे तो इसे क्या पढ़ोगे कू इसे क्या पढ़ोगे आप कू बेसिकली ये क्या है एक फ्रेंच वर्ड है कू डिटाट क्या है ये इसे पढ़ते हो कू डिटाट कू कू डिटाट मतलब हो जाता है आपका ये जो पाकिस्तान में होता है ये क्या है आपका सेना के द्वारा तख्ता पलट करना कू क्या हो जाता है सेना के द्वारा तख्ता पलट कर देना सेना के द्वारा तख्ता पलट कर देना ओके okay. सेना के द्वारा तख्ता पलट कर देना कू कर देना कहते हैं उसे कु कर दिया हिंदी में कु करने का मतलब वो कुछ और है कु कर दिया कोयल बोल रही है लेकिन यहां कु करने का मतलब है सेना के द्वारा तख्ता पलट कर देना ध्यान रखना है यह भी आपका ऐसे ही जर्मन वर्ड है जैकरी ये तीनों वर्ड ध्यान रखना है कु कु जैकरी जैकरी का मतलब होता है आपका यहां पे भी इसे पुछ पढ़ना है ठीक है ये भी जर्मन वर्ड है इसका मतलब होता है सेना के द्वारा तख्ता पलट करना ठीक है डेफियांस भी इसका डिसोबीडियंस हो जाएगा रेबेलियस हो जाता है इनसबॉर्डिनेशन है, 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 मतलब 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 को दबाया जा रहा जो सरकार के खिलाफ बोलता है। मतलब लोग नहीं रहे हैं, से मतलब अराजकता फैल गई है अपोस्टेसी स्कीम और ठीक uh, है तो ये जो यहाँ तक के वर्ड है इन्हें जरूर ध्यान रखना है सबका मतलब होता है रेबेल Rebel करना मतलब होता है आपका सरकार का विरोध करना विद्रोह करने के सेंस में आते हैं ये सारे शब्द ओके इसके अलावा एक शब्द होता है हमारा रिनेसा जो मैं यहां पर आपको बता रहा था यहां लीजिए रिनेसा ठीक है ये शब्द भी ध्यान रखना है यूरोपियन यूरोप से आता है ये शब्द भी जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये इसे कहते हैं पुनर्जागरण रिनासा ठीक है रिनासा याद रखिए इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना रिनाई सांस स्पेलिंग याद रखने के लिए दिमाग में याद रखो रिनाय ई एन ए आई एस एस एन सी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जा सकता है रिनासा मतलब होता है पुनर्जागरण ठीक है सारे शब्द याद हो गए ये वाले वर्ड याद रखना है पुच वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं इसके एंटोनिम्स याद रखना जरूरी है एंटोनिम्स रेबेलियन के क्या हो जाएंगे जो ओबीडियंस करे कंप्लायंस करे नियमों को माने एक्विसेंस मतलब होता है जो आसानी से लोगों की बात मानता है ट्रैक्टिबिलिटी मतलब जिसे ट्रैक्ट किया जा सके मोड़ा जा सके अपने हिसाब से ट्रैक्टेबलनेस है ट्रैक्टर क्या करता है खींचता है ट्रैक्ट किया मतलब जा सकता है मतलब अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है है फ्रेंडली है ड्यूटीफुलनेस है डेफरेंस है मतलब सम्मान करता है ड्यूटी रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुलनेस डिस है इसके बाद बिडेबलनेस है ड्यूटियसनेस है मेलेबिलिटी है मैलेबल है मैलेबल है फ्लाइबल है तलाकी तलाकी मतलब आसानी से अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है आसानी से आपकी बात मान लेता है कन्फॉर्मिटी है कन्फॉर्मेंस है कन्फर्मेबिलिटी है सबमिसिवनेस है मतलब विनम्र है आपकी बात मान लेता है सबमिसिव है डोसाइल है आसानी से बात मान लेता है टेम किया जा सकता है इसको कब्जे में आसानी से किया जा सकता है टेम करना जैसे किसी जंगली जानवर को पकड़ना टेम करना कहलाता है टेम कर लिया जाता है Meekness है, आपका मीक है gentle है, है, passivity है, passiveness है, sickness, है, 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 याद रखना मतलब जो बहुत ही आसानी आसानी से से बात है, से बात मान मान ले, लेता थोड़ा सा सेवा का भाव है आसानी से आपकी सेवा करना है, बात मान लेता है सब सर्वियंस ऑप्सिकस और सर्वेबिलिटी आप ये वर्ड आपका स्पेलिंग करेक्शन के लिए याद रखिए ठीक 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 है 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 ये ये पूछा जाता है, अब मैं क्यों बता रहा था मतलब होना और सब सब होता है, रेबेल होना और होता जो आसानी से बात मान ले सबीनेस जो बात ना माने ठीक अगला क्वेश्चन है है टू कैरी हॉल टिकट इन द एग्जामिनेशन कंसीडर्ड एज ट्रिवियल इशू मैंने ट्रिवियल आपको सिनोनिम्स पढ़ा है तो ट्रिवियल तुच्छ बहुत छोटी सी बात है एकदम बहुत स्मॉल छोटी सी बात है काइंड मतलब विनम्र हो गया प्रॉब्लमेटिक इशू 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 है 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 सीरियस तो ट्रिवियल मतलब हो गया बहुत छोटा सा इशू है तो अंडर रेटेड इशू इसी की तरह से हो जाएगा un, क्या हो जाएगा सीरियस इशू हो जाना तो so, ट्रिवियल के सिनोनिम मैंने क्या हो जाएंगे आपके अनइंपॉर्टेंट है आवश्यक नहीं है इनसिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है इनकॉन्सिक्वें इनकॉन्सिक्वेंशियल Feels... है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा कॉन्सिक्वेंट मतलब जिसका कोई रिजल्ट निकलता है तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है इन इसेंशियल है नॉन इसेंशियल है पेटी है छोटी सी बात है ट्रिफलिंग है छोटा है फिडलिंग है पेटी पेटी फॉगिंग है ठीक है फुटलिंग है स्मॉल है स्लाइट लिटिल इनकंसिडरेबल मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेग्लिजेंटेबल है नेग्लिजेंट किया जा सकता है पाल्ट्री सम मतलब छोटा मात्रा Nugatory, इसे नगेट मतलब इग्नोर किया जा सकता है मीनिंगलेस है आइडल है, 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 है एग्जाम में डाइम निकल एंड डाइम का मतलब अन इम्पॉर्टेंट वेरी मतलब जैसे आई विल नॉट गिव यू मे मे डाइन ठीक है मतलब एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा उस सेंस में आता है स्मॉल बोर है सुपरफिशियल शेलो अन थमेड लाइट वेट फूल ठीक है जो एम्टीडेड uh, है शेलो अन थिंकिंग है जो सोचता नहीं है ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा कैजुअल इसके हम लोगों ने सीरोम वाली क्लास में देखे थे तो ट्रेडिशनल मतलब हो जाता है ट्रेडिशनल है पारंपरिक है जो पारंपरिक है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल मतलब हो जाता है आध्यात्मिक ठीक है फॉर्मल मतलब हो गया इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्मल मैंने अभी समझाया कि जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है ये कैजुअल ड्रेस हो गई मतलब आप बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो ऑफिशियल तरीके से नहीं चल रहे हो फॉर्मल ऑफिशियल हो जाता है तो उस सेंस में आ जाएगा पर्सनल व्यक्तिगत हो जाता है इसके लिए जो इसका एक होमोनिम हो जाता है वो ध्यान रखना है आ, होमोफोन कह सकते हो या होमोनिम कह सकते हो पर्सनल वेटरन आया भी था कल क्लास में वेटरन मतलब क्या हो जाता है एक्सपीरियंस्ड जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ही वेटरन आर्मी वेटरन अक्सर इस्तेमाल होता है जो आर्मी से रिटायर्ड है उसके लिए वेटरन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ग्रीन हॉन्ड हमने इडियम्स में देखा था ग्रीन हॉन्ड इसके अलावा ग्रीन हॉन्ड हो जाता है इसके अलावा हो जाता है हमारा नोवाइस टायरो मतलब ग्रीन हॉन्ड जो बहुत इनएक्सपीरियंसड है पर्सनल आ जाता है आर्मी पर्सनल आर्मी पर्सनल का मतलब हो गया कि स्टाफ से रिलेटेड ही इज एन आर्मी पर्सन मतलब आर्मी में जॉब करता है तो प्रोफेशनल के लिए कह सकते हो आप ठीक है पर्सनल मतलब प्रोफेशनल नहीं है सेंस में पर्सनल पर्सनल आर्मी है मतलब आर्मी में जॉब करता है ठीक है या आईटी पर्सनल है मतलब आईटी क्षेत्र में जॉब करता है तो पर्सनल इस प्रकार से यूज होता है लोग किसी एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है कि इस तरीके का वो काम करता है नाउन की तरह यूज होता है कि वो इस तरीके का, का काम करता है ठीक है चलिए

hit on miss csrrm कर चुके हैं इसके अलावा कैजुअल ऑफ हैंड रैंडम इम्प्रोम्प्टिव स्पोंटेनियस अनथिंकिंग अनस्टडीड अनकंसीडर्ड ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं ओके जस्ट टप या इसके अलावा कैजुअल ग्लांस का मतलब मैंने बताया था पर कर्सरी ग्लांस परफंक्टरी सुपरफिशियल पासिंग प्रीटिंग समरी डिसल्ट्री और केएलएस ठीक है पर ये सारी चीजें हम लोग सिनोनिम वाली क्लास में देख चुके हैं तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं अगला वर्ड है हमारा कंसीट कंसीट मतलब होता है घमंड से रिलेटेड बात आती है कंसीलमेंट मतलब हो जाता है छिपाना रिवील करना मतलब बात को खोल देना मॉडेस्ट मतलब होता है आपका विनम्र रिवील मतलब बात को खोल देना तो ओपन हिडन मतलब छुपाना तो कंसीट का सीरोम क्या हो जाएगा आपका मॉडेस्टी क्यों क्योंकि कंसीट मतलब मैंने क्या बताया अहंकार तो एंटोनियम क्या बच रहा है मॉडेस्टी अब इन्होंने पता रिवील और हिडन क्यों दे रखे थे क्योंकि इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो क्या है कंसील करना कंसील करना मतलब है छुपाना तो ये सिनोनिम में आप मार्क कर सकते हो और शायद ये आप गलती से ये मार्क कर दोगे इसलिए कंसीट के एंटोनियम में इन्होंने रिवील और हिडन दे रखा था

आत्ममुग्ध ठीक है आत्ममुग्ध कहते हैं नार्सिसिज्म ठीक है नार्सिसिस्ट नाम नाम का नाम का एक आदमी था ग्रीक मैथोलॉजी में उसी के वजह से नार्सिसिज्म वर्ड बन गया था नार्सिसस नाम का आदमी था जो अपने आप को बहुत सुंदर बहुत सुंदर था तो वो इतना सुंदर था कि उसको जो भी महिला प्रपोज करती थी उसको वो मतलब बहुत ही धुत्कार देता था तो उसी से उसका नाम बन गया था नार्सिसस ठीक है और सेल्फ एडुलेशन मतलब अपनी प्रशंसा करता रहता है सेल्फ रिगार्ड इगोटिज्म करता रहता है, मैं ही सब कुछ हूं मैं मैंने किया मैंने वो किया इगोइज्म इसे भी वही कहते हैं इगोसेंट्रिसिटी ये सारे वर्ड याद रखेंगे अभी समझते हैं जरा ईगो ईगो मतलब आय मतलब मैं ठीक ईगोसेंट्रिसिटी या इगोसेंट्रिक क्या हो जाएगा वो व्यक्ति जो लग, जो अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मानता है समझता है दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रही है अपने आप को अत्यधिक इंपॉर्टेंस देता है मेनिया कोई भी अगर किसी भी प्रकार का मेनिया है तो उसे पागलपन कहते हैं और मेनियाक हो जाएगा वो पागल हो जाएगा उसका मेनियाक नाउन हो जाएगा तो मेनिया पागलपन इगोमेनिया मतलब हो जाता है अपने आप को लेकर पागल है इगोमेनिया है मतलब अपने आप को लेकर सेल्फ ऑप्सेस्ड है है जो अपने आप को सब कुछ समझ रहा है मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ये किया सब कुछ मैं करता रहता है है में टी आ रहा है तो ये टॉक करता है यानी कि अपने बारे में बोलता बहुत ज्यादा है समझता अपने आप को वो वो भी बहुत कुछ है लेकिन उतना बोलता नहीं है इगोटिस्ट बोलता बहुत है कि हाँ मैंने ही किया है मैं हूं हूँ उससे कहते हैं आपको ठीक है प्राइड होता है आपका मतलब अपने आप में घमंड लेना कि हाँ जैसे प्राइड वीक चलता है प्राइड मंथ चलता है एल जीबीटी प्लस के कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हम मतलब वो अपनी इस बात में प्राइड महसूस कर रहे हैं कि हम जो है अपनी आइडेंटिटी को स्वीकारते हैं खुल के एरोमंडमंड केस में एरोगेंस के हो जाएगा घमंड है उसे हो जाता है बोस्टफुलनेस बोस्टफुलनेस उसे कहते हैं जो बहुत फेंकता हो लंबी लंबी फेंकता है ब्रैगाट बोस्टफुल बोस्टफुल ब्रैगार्ट मतलब जो लंबी लंबी फेंकता है अपने मतलब मैंने ये वो अरे यार कल मैं गया था गाड़ी चलाई है एक सौ साठ गाड़ी की टॉप स्पीड है एक सौ बीस लेकिन चलाई कितनी एक सौ साठ लंबी लंबी फेंकने वाला आदमी ठीक है कॉकीनेस हो गया इमोडेस्टी इं, जो मॉडस्ट नहीं है विनम्र नहीं है तो इमोडेस्टीज का सिरोनेम है तो एंटोनेम मॉडेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली टिस्फैक्शन स्मगनेस ठीक है स्मग मतलब सड़ा सा मुंह बना के बैठा रहता है कॉम्पलसेंसी अब देखो कॉम्पलसेंसी कैसा वर्ड है कॉम्पलसेंट से बना है ये कॉम्प्लसेंट मतलब आप आत्मसंतुष्ट हो जाएं कि जैसे आपने एग्जाम निकाल दिया कॉम्प्लसेंट तो हो गए ठीक है यार जो था वहीं तक था बन गया जो बनना था बन गया

And headed, मतलब घमंड के सेंस में हो जाएंगे मॉडेस्टी और ध्यान रखना है ये सारे शब्द ओके okay? आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड हमारा है फर्टाइल इट वॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड मतलब बहुत उपजाऊ जमीन है ठीक है द टीचर आज वीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड रिच रिच वेट बैरन एंड पीकन तो अब यहां पर चार ऑप्शन है रिच मतलब कह रहे हैं कि वेट है वेट लैंड में बैरन लैंड में या पीकन लैंड में तो एंटोनिम पूछ रहा है यहां पर फर्टाइल का सिंपल सी बात है रिच हो गया वेट मतलब गीला फीकंड उपजाऊ बैरन मतलब एंटोनिम हो गया हमारा बैरन फर्टाइल मतलब उपजाऊ फीकंड सिनोनिम है बैरन आपका एंटोनिम हो जाएगा बैरन को समझते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में बहुत बार आया है

चाहे मेरे से पढ़े हो चाहे खुद से पढ़े हो कहीं से भी पढ़ के जाओगे बुक और फलानी बुक धमाका बुक याद करते घूम रहे हो बेसिक किताब मैं बोलता हूँ एसपी बख्शी कर लो उससे हो जाएगा लेकिन नहीं तुम दुनिया भर की चीजें करते घूम रहे हो और जो एग्जाम के हॉल में आप अच्छा करके नहीं आ रहे हो सिंपल सी चीज मैं बार बार कहता हूँ चाहे आप एसपी बख्शी चाहे नीतू सिंह दो में से कोई एक किताब तो आप कर ही लो पूरी तरीके से उतने से आपका हो जाना है ठीक है उसके अलावा प्रीवियस ईयर देख लो सारा चीजें बैरन बैरन है बैरन का, का, का मीनिंग ध्यान रखना जिन्हें नहीं पता ध्यान से समझिए लैंड के लिए आता है तो मतलब होता है ऐसी लैंड जहां पर कुछ उगता ना हो बंजर जमीन जिसे कहते हैं ठीक है यदि किसी महिला के लिए या किसी एनिमल के लिए शब्द आता है तो इसका मतलब होता है ऐसी जमी ऐसी महिला या ऐसा एनिमल जो बच्चे ना पैदा कर सके उसे बैरन कहेंगे हु कैन नॉट बी प्रेगनेंट और अनेबल टू बिकम सो उसे बैरन कहते हैं ठीक है तो जिसे हिंदी में हम बांझ कह सकते थे ठीक है यदि किसी बिल्डिंग या फिर किसी जगह के लिए शब्द इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ऐसी जगह जहां कोई ना हो बहुत ही ब्लीक हो और लाइफ ना हो लाइफलेस हो उसे बैरन कहते हैं अब ऑप्शन में सिनोनिम इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल अनफ्रूटफुल स्टेराइल ये ध्यान रखना है एरिड लैंड मतलब बैरन लैंड डेजर्ट जहां कुछ ना होता हो वेस्ट डेसोलेट आपको कल ही कराया था मैंने डिप्रेस डेसोलेट कराया था अनकल्टिवेबल कल्टीवेशन नहीं हो सकता जिसको जिसमें कुछ उग नहीं सकता इम्पावरिस्ट मतलब रिच नहीं है गरीब ही, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिय नहीं है

फर्टाइल इनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव स्टराइल एरिड डेजर्ट ठीक है क्या ध्यान रखना है अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल एरिड डेजर्ट ठीक इतना याद याद रख रख लो लो बस डेसोलेट एक उसका मतलब हो गया जहां कुछ कोई ना जाता हो बहुत ही डिप्रेसिंग हो लाइफलेस हो ठीक डल ड्राइव बोरिंग एरिड याद रख लो डल ड्राइव एरिड बोरिंग ठीक इन सबका मतलब हो जाता है जो बहुत ही बंजर जमीन हो पीकन एंटोनिम में आ जाएगा इसके मतलब क्या हो जाता है आपका प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंस ऑफ शब्द याद रखना है हमें शब्द ध्यान रखना है offsprings. इसका सिंगुलर प्लूरल यही होता है डू नॉट मेक इट्स प्लूरल एग्जाम में पूछा गया है कई बार इसका ऑफ स्प्रिंग बना के दे देते हैं कई बार इसका जो प्लूरल है वो ऐसे बना के दे देते हैं एग्जाम में आया हुआ शबाद सवाल है ये ऑफ स्प्रिंग

कानपुर में एक रेस्टोरेंट है लश गार्डन एंटोनिम है इनफर्टाइल और बैरन ठीक है याद रखेंगे इतने चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लेस्ड ब्लेस्ड का एंटोनिम आपसे पूछ रहा है ब्लेस्ड का एंटोनिम क्या होगा ध्यान रखेंगे ब्लेस्ड का एंटोनिम समझते हैं ब्लेस्ड का एंटोनिम क्या होगा ब्लेस्ड मतलब ही एम ब्लेस्ड विद योर का मतलब भगवान से मेरे ऊपर कृपा है तो ब्लेस मतलब किसी को ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देना आशीर्वाद देना दीजिए आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं आधी जगह गलत लिखा मिलेगा तुम्हें तो blessed है मतलब जिसे आशीर्वाद है मिला हुआ है अप्लाइड नहीं होगा अपॉइंटेड प्रोड्यूस नहीं कर्स्ड हो जाएगा जिसे अभिशाप मिला हुआ है कर्ज मतलब होता है अभिशाप। श्राप जिसे कहते हैं ठीक है थीके? अब ब्लेस्ड को समझते हैं ब्लेस्ड वर्ब के सेंस में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को आ, किसी को वरदान देना ब्लेस देना है प्रोनाउंस इन रिलीजियस राइट टू कन्फर डिवाइन फेवर मे गॉड ब्लेस यू भगवान तुम्हें खुश रहे उसके उस तरीके उस से ब्लेस्ड एडजेक्टिव हो जाता है मतलब हो जाता है किसी चीज को पवित्र बनाना और किसी चीज को पवित्र बनाने के लिए जो वन वर्ड आता है वो क्या होता है कॉन्सिक्रेटेड ध्यान रखिए टू मेक समथिंग होली सेक्रेड कॉन्सिक्रेट करना ठीक है क्रिश्चियनिटी से वर्ड आता है होली सेक्रेड चैस्ट होली पवित्र सेक्रेट पवित्र चेस्ट परिवित्र हैलोड कंसिक्रेटेड सैंक्टिफाइड सैंक्टिफाई कर दिया है पवित्र कर दिया है डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति डिवाइन आता है दैवीय उसके पास डिवाइन पावर है मतलब दैवीय शक्ति है डेडिकेटेड है वेनरेटेड है मतलब सम्मान किया जाता है रिवर्ड मतलब सम्मान किया जाता है ऑर्डेन्ड है कैननाइज्ड है सम्मान किया जा रहा है बीटिफाइड है ध्यान रखिए ब्यूटीफाइड भी आता है पवित्र के सेंस में फॉर्चुनेट है लकी है प्रिविलेज है हैप्पी है joyful है joyous है blissful है जॉयफुल जॉयस ब्लिसफुल ग्लैड है और एनवीएबल है ठीक है एंटोनिम हो जाएंगे अनवेलकम है, है, है ठीक अगला वर्ड हमारा है अपोज अपोज का आपसे एंटोनिम पूछ रहा है ऑप्शन हमारे एम्बडी इलेक्टिव रेजिस्ट और एनकरेज तो अपोज मतलब किसी का विरोध करना

मनी हाइस्ट उसमें वो लोग क्या कर दिखाते हैं रेजिस्टेंस दिखा रहे होते हैं ठीक है विरोध कर रहे हैं सरकार का अब करना। एन अगर किसी भी शब्द में आगे लग जाए के रूप में, तो वो जाता। करेज मतलब साहस एनकरेज करना मतलब किसी को साहस देना ठीक है करेज मतलब साहस एन मतलब लग, एन लग गया तो वर्ब बन गया तो मतलब किसी को साहस देना ठीक है किसी को सपोर्ट देना साहस कॉन्फिडेंस देना होप देना ठीक किसी को मनाना, मनानाट करना कुछ कार्य करने के लिए या एडवाइस देने के सेंस में भी आता है और किसी चीज की एक्टिविटी को एक्ट, स्टिमुलेट करना सर, सपोर्ट करने के सेंस में एंटोनिम हो जाता है इसका डिस्करेज करना किसी को डिसवेड करना या हिंडर करना बाधा पहुंचाना ठीक है प्लेयर द प्लेयर्स वर एनकरेज बाय क्राउड्स रिस्पांस क्राउड के रिस्पांस से प्लेयर्स एनकरेज हो गए उनका मनोबल बढ़ गया सिनोनिम क्या हो जाएगा हर्टन करना किसी को चीयर करना गरीबों का करते हैं उनको उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं मनोबल बढ़ा रहे हैं इंस्पायर करना मतलब प्रेरणा देना होता है मोटिवेट करना मतलब प्रेरणा देना एग ऑन इस पर ऑन ध्यान रखना है एग ऑन पर ऑन मोटिवेट करना एनकरेज करना स्टिर और मतलब होता है किसी को भड़काना जैसे आप ग्लास लो ग्लास में पानी में आप ऐसे चम्मच चला दो तो आप क्या तो करते, हो, इसको चलाने को कहते करते हो किसी भी चीज को तो उसी तरह से अगर मान लो ग्लास में आपको चीनी घोलनी हो तो आप कह सकते हो स्टिर ऑफर वेल यानी कि चीनी को अच्छे से घोलो तो आप जब पानी में चम्मच चलाते हो तो पानी में भूचाल आ जाता है इस तरीके से बहुत तेजी से घूमने लगता है उसी से वर्ड बना स्टिर करना मतलब जनता की भावनाओं को भड़का देना स्टिर अप कर देना विप अप हो जा गया फायर अप कर देना इस, मतलब भड़काना किसी को स्टिमुलेट करना किसी की भावनाओं को जागृत करना एनिमेट करना बताया मैंने एनिमेट करना मतलब एनिमेशन क्या है जिससे आपको का, जो कार्टून दिख रहा है वो चलता फिरता दिख रहा है आपको उसमें जीवंत कर दिया मतलब किसी की भावनाओं को जगाना इनविगोरेट करना

रिजोल्व को किसी के डिटर्मिनेशन को और स्टिफ कर दिया मतलब कठोर कर दिया स्टिफ जो है वर्ड स्टिफ मतलब कठोर होता है कठोर या फिर कड़ा स्टिफ अमेरिकन स्लैंग में स्टिफ का मतलब डेड बॉडी भी होता है ध्यान रखिएगा अमेरिकन स्लैंग में स्टिफ का अर्थ डेड बॉडी भी होता है वुड नेवर एनकरेज लीव हर हसबेंड मतलब नहीं करेगा तो संबडी कजोल संबडी कजोल मतलब भी होता है किसी को मनाना काजोल से ध्यान रखेंगे काजोल को मना रहा है अजय देवगन मतलब क्या कर रहा है कजोल कर रहा है ठीक है अर्थ संबधी प्रेस पुष प्रेश्जॉस्टर प्रॉड गज नॉट प्रॉड गुड है? नॉट नॉड करना मतलब होता है he nodded in agreement. मतलब सर हिलाना जैसे मैं ऐसे सर हिला रहा हूं नॉडिंग करना है ठीक है ही nodded इन disagreement मतलब मैं ना में सर हिला रहा हूं तो नॉडेड इन डिसमेंट हाँ में सर हिला रहा हूं नॉडेड इन एग्रीमेंट ठीक प्रॉड करना मतलब कोहनी मारना किसी को चलना चलना भाई भाई चलना चलना दिस इज प्रॉडिंग ठीक है दिस इज प्रॉडिंग नज नज करना भी होता नैसे आपने याद हो एक पहले एक व्हाट्सएप की तरह ऐप था हाइक करके उसमें आप ऐसे प्रेस करते थे तो दूसरे को नोटिफिकेशन नच कराया उसने यानी कि आपको एक तरीके से उंगली मारना पोक करने के सेंस में आता है ठीक है प्रॉड करना भी उंगली मारना इस तरीके नहीं कौन नहीं भाई चलना चलना दिस इज प्रॉडिंग ठीक है गोड आपके आ गया प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट करना नोटिफिकेशन आता है वो आपको एनकरेज कर रहा है वो चीज ओपन करने के लिए इन्फ्लुएंस करना किसी को आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं क्या कर रहे हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ खरीदने के लिए आपको मनाते हैं एक तरीके से स्वे, मतलब स्वे क्या होता है आपका जैसे हवा आंधी में जब पेड़ ऐसे ऐसे डोलता है इस तरीके से जब पेड़ को अगर आपने कभी देखा हो जैसे आपने पाइन ट्री लंबा बड़ा ट्री देखा हो या यूकेिप्टिस के पेड़ देखे हो जब आंधी आती है वो पूरा का पूरा पेड़ ऐसे ऐसे होता है तो दिस इज मतलब पूरा पेड़ इस तरीके से हिल रहा है दिस इज कॉल्ड ठीक है तो स्वे करना मतलब किसी को मनाना भी होता है अब देखो हवा के झोंके से वो पेड़ मुड़ गया यानी कि हवा से वो बात मान गया दिस इज कॉल्ड स्वे आपको मनाना स्वे करना हो गया ठीक पुट द हीट ऑन पुट स्क्रूज ऑन ट्विस्ट समबडीज आर्म इसको ध्यान रखिए होता है ना कि अपनी बात मनाने के लिए हिज आर्म मतलब

हो जाते हैं हमारे एनकरेज के लिए ठीक है अगला वर्ड है हमारा मोबाइल ठीक है मोबाइल का सिनोनिम मोबाइल आपने पढ़ा पकड़ा हुआ है हाथ में मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो बट ये एक्चुअली में सेलफोन है पहले वो रिसीवर वाले फोन हुआ करते थे तो उन पे बात करते थे तो उसको लेकर आप कहीं चल नहीं सकते थे ये जो आपने आपके हाथ में डिवाइस पकड़ी हुई है आपने सेलफोन तो आप लेके कहीं भी जा सकते हो तो ये क्या है मोबाइल था मूव कर सकता था मोबाइल मतलब विच कैन मूव मोबाइल का अर्थ हो गया विच कैन मूव जो मूव कर सकता है वो मोबाइल है तो हाँ वो क्या है मोबाइल है ठीक है क्लियर तो एंटोनिम uh, पूछ रहा है इंटरेस्टिंग नहीं होगा स्ट्रेंज नहीं होगा इनसाइड नहीं होगा हो जाएगा स्टैंडिंग ठीक है कुछ नहीं है तो स्ट्रेंज का सिनोनिम यहां पर देखते हैं ठीक है मोबाइल आपको पता है स्ट्रेंज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसके सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं Strange मतलब होता है विचित्र अजीब सा तो हो जाएंगे एंडल है वो ऑड भी है क्यूरियस भी है होता है होता मतलब अजीब अब जो अजीब है वो कई बार फनी भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है बिजार टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉर्नर आता था बिजार जिसमें बहुत अजीब सी न्यूज निकलती थी जो बहुत बियर्ड हो मतलब वियर्ड अजीब है ठीक है जो वियर्ड है जो बिजार है वो क्वियर भी हो जाता है कई बार स्ट्रेंज है बहुत अजीब सा है ठीक है Queer आपका अलग सेंस में भी आता है अनकैनी yeah, yeah, है ठीक है अनकैनी नॉट नॉर्मल ठीक है कैनी नैनी अनकैनी मतलब नॉट नॉर्मल नॉट यूजुअल अनएक्सपेक्टेड भी है ये अनफेमिलियर भी है जिसको जानते नहीं है अब नॉर्मल भी है अटिपिकल है अनामस है मतलब कमी खामी डिफरेंट है अलग है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है सामान्य नहीं है आउट ऑफ द वे है सामान्य नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा इतना बहुत अच्छा हो, सकता और भी हो सकता है मतलब परफॉर्मेंस जो सामान्य नहीं है तो वो कई बार स्ट्रेंज भी हो सकता है अब जो स्ट्रेंज है वो पजलिंग भी हो सकता है जो कंफ्यूजिंग हो आपको मिस्टिफाइंग भी हो सकता है कंफ्यूजिंग भी हो सकता है मिस्टीरियस भी होगा परप्लेक्सिंग भी हो सकता है चूंकि बहुत अजीब है बैफलिंग सकता है, वो चीज़ सारी है, है इतना कर लो इतने में ही बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे ज्यादातर वर्ड्स आपको एग्जाम में यहां से मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से कवर, कवर किया इन वीडियोस को तो इनकॉन्ग्रुअस है मतलब

अब वो बहुत ज्यादा ही अलग हो गया तो सरियल हो गया सस्पिशियस भी हो जाएगा ड्यूबियस क्वेश्चनेबल ठीक ये सारे वर्ड्स इन्होंने भी इंपॉर्टेंट है ध्यान से दीजिए देखिए इडियोसिंक्रेटिक है इडियोसिंक्रेटिक है मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है इडियोसिंक्रेटिक है अजीब सा बिहेवियर कर रहा है उसे इडियोसिंक्रेटिक कह है सकते हैं वियर्ड भी है इसेंट्रिक है कह है सकते हैं संकी इस्ट्रिक वह व्यक्ति भी होता है जो सोचता है कि उसके अलावा सबको ही उसका बुरा चाहता है ठीक है मतलब सिर्फ वही है जो अपना उसका भला चाहता है बाकी उसके अलावा सबको ही उसका बुरा चाहता है तो उसे भी इसेंट्रिक कहते हैं ध्यान रखिएगा ऑड है बहुत स्पेक्यूलियर है अजीब है फनी बिजार पढ़ चुके हैं अनयूजल अब पढ़ा है अनकन्वेंशनल इडियोसिंक्रेटिक आउटलैंडिश डिश ऑफ बीट मतलब नॉर्मल नहीं है क्विर्की क्विर्की लेडी करके एक एक, एक, एक स्टार्टअप आया था चार्क शार, चार्क टैंक में वो जूते बनाती थी जिसमें वो लाइट लगाती थी तो क्विर्की लेडी अजीब सी चीजें कर रही थी Quaint हो जाता है आपका अजीब ऑफ सेंटर सेंटर से हटकर है जो मतलब विचित्र ध्यान गया, मैं अगर सारे शब्दों को आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ याद रहेगा ठीक है आसानी से जल्दी से बहुत कुछ आपका रिवाइज वी, इन वीडियो में हो रहा है एक एक वीडियो में कम से कम सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ शब्द आपके टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींगी फर्स्ट सेंचुरी में टेक्नोलॉजी जो है वो इनडिस रोल प्ले कर रही है देखो एबल अगर किसी में लगेगा तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव ठीक है मतलब हो जाता है योग्य इन लग मतलब जाएगा किसी में तो मतलब हो जाता है नॉट और डिस्पेंस मतलब क्या हो जाता है डिस्पेंस कैन नॉट बी डिस्पेंस करना डिस्पेंसर होता है डिस्पेंसरी होती है जहां दवा बढ़ती है डिस्पेंस करना मतलब जो बांट रहा है कुछ ठीक है डिस्पेंस करना जैसे डिस्पेंस, आपने जब कोविड था तो सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगते थे वो बांट के सैनिटाइजर तो इनडिस्पेंसेबल मतलब विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड मतलब जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता है मतलब जिसे हटाया नहीं जा सकता ठीक है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑप्शन है सुपरफ्लूस मतलब एक्स्ट्रा रिडेंडेंट ठीक है विजिलेंट है मतलब बहुत सतर्क है ठीक है अनप्रेसिडेंटेड है मतलब अप्रत्याशित ठीक रिलेंटलेस है मतलब जो झुकेगा नहीं वो अपने पुष्पा में वो सुना है ना झुकेगा नहीं तो वही रिलेंटलेस है मतलब जो झुकेगा नहीं हार नहीं मानेगा पुष्पा में वो बोलता है ना झुकेगा नहीं डैश तो रिलेंटलेस मतलब झुकेगा नहीं जो तो इनडिस्पेंसिबल है जिसको मतलब जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है और सुपरफिशियल क्या होता है जिसको रिमूव किया जा सकता है एंटोनिम तो क्या हो गया हमारा सुपरफ ठीक है विजिलेंट मतलब बता दिया आपको विजिलेंट से एक शब्द ये ध्यान रखो विजिलांटे इसको पढ़ते हैं विजिला का डिफरेंस है इसमें ई लग जाता है तो इसे कहते हैं ठीक है असुर टू अगर आप लोगों ने देखी हो तो या असुर टू देखी हो या गब्बर देखी हो तो इसमें क्या है असुर असुरटू में आपने देखा हो दो ग्रुप्स हो जाते हैं एक तो ग्रुप होता है जो सीबीआई के अंदर एटीएफ के अंडर कार्य कर रहा होता है और एक ग्रुप होता है जो अर्षद वारसी और जो नैना होती है उसकी जो वाइफ होती है उसके थ्रू काम कर रहा होता है ठीक है गया गब्बर में आपने देखा हो तो जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है ठीक है तो ये क्या है विजिलांटे हैं विजिलांटे मतलब सरकार या अथॉरिटी से अलग एक ग्रुप या एक संस्था जो कार्य सरकार को तो करना चाहिए लेकिन सरकार चूंकि अच्छे से नहीं कर पा रही है इसलिए ये ग्रुप कार्य कर रहा है तो इसे विजलांटे ग्रुप कहते हैं ठीक है तो मेंबर ऑफ अ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप मतलब अपने आपने आप, अपने आप को अपॉइंट कर लिया है

इनफ्लेक्सिबल है अनसीजिंगली इंटेंस है जो झुकेगा नहीं उसी को कहेंगे रिलेंटलेस अनप्रेसिडेंटेड मैंने आपको बताया अप्रत्याशित अर्थात नेवर डन और नोन बिफोर जो पहले कभी हुआ नहीं ऐस, ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह 18 सालों में मतलब एक ऐसा इवेंट है अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है ठीक है विजिलेंट आपको बता दिया कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबलDanger और डिफिकल्टीज ठीक सतर्क है तो इंडिस्पेंसिबल को समझते हैं जरा इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है एब्सोल्यूटली नेसेसरी जो आवश्यक है जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता है तो एजुकेशन इज इनडिस्पेंसिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र को प्रिजर्व करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है मतलब क्या हो जाएगा इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंपॉर्टेंट नेसेसरी होना इट्स अ ही प्लेज अ की रोल इट्स अ ही प्लेज अ वाइटल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल नीडेड ठीक है कॉग इन द व्हील और लिंच पिन किंग पिन लिंच 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 आ गया यहां से देख लेते हैं लिंच लिंच मॉब लिंचिंग, ठीक है मॉबोक्रेसी ये सारे शब्द एक समय पर बहुत अधिक चर्चा में थे वेल द मॉब एंग्री मॉब ठीक है जहां से शब्द आया वहां से शुरू करते हैं कॉग यू आर अ कॉग इन द व्हील ठीक है अब कॉग इन द व्हील कॉग मतलब बेसिकली क्या होता है छोटा सा नट नट मतलब पेच ठीक है सो यू आर जस्ट अ कॉग इन द व्हील मतलब तुम पूरे बड़े पहिए में कॉग इन द मशीन एक बड़ी मशीन में छोटा सा पेच हो ठीक है लेकिन हो आप जरूर सिर्फ पेच लेकिन यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्योंकि अगर आप सोचो एक पहिया एक पहिया में एक नट भी खुल जाएगा तो पहिया पूरा गिर सकता है मशीनरी पूरी ध्वस्त हो सकती है सो यू माइट बी अग इन बट यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यू प्ले अ वेरी वाइटल रोल यू आर यू आर इनडिस्पेंसेबल समझ गए लिंच पिन क्या हो जाता है आपका लिंच पिन आपने देखा हो जैसे एक इस तरीके की इस तरीके से रहता है आपने अगर कभी देखा हो जैसे पंखा जब लगाते हैं ठीक है या गांव में आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा हो तो ट्रैक्टर में जो एक इस तरीके का रहता है उसके अंदर एक पिन डालते हैं ट्रॉली को कनेक्ट करने के लिए जो पिन डालते हैं उसके नीचे एक इस तरीके का स्क्रू लगा देते हैं जिससे कि ये ऊपर ना निकले सिमिलरली जब फैन हम टांगते हैं तो फैन में एक जब फैन में स्क्रू लगाते हैं तो यहां पर एक पिन डाल देते हैं सो so दैट अगर फैन खुले भी तो ये पिन ना बाहर गिरे तो इस डीज आर कॉल्ड इसे कहते हैं लिंच पिन सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है बहुत ही आवश्यक अंग। Basically, लिंच पिन का शाब्दिक अर्थ अलग है नाउन के सेंस में अलग आ लिंच पिन आपका सरगना ठीक है तुम्हारे गैंग का सरगना कौन है तुम्हारे गैंग का जो मेन ओनर कौन है लीडर कौन है तो उसे किंग पिन कहते हैं ठीक है लिंच मतलब होता है भीड़ के द्वारा हत्या कर दिया जाना भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है तो कहते हैं ठीक है मतलब हत्या करना भीड़ के द्वारा हत्या हो रही है तो वो लिंचिंग होती है मॉब लिंचिंग इसी से वर्ड बन गया मतलब मॉब मतलब गुस्साई भीड़ मॉब का मतलब ही होता है गुस्साई भीड़ मॉब का मतलब ही होता है गुस्साई भीड़ तो गुस्साई भीड़ के द्वारा यदि हत्या की जा रही है तो मॉब लिंचिंग कही जाएगी, ठीक है अब क्वेल द मॉब का मतलब होता है मॉब को शांत कराना भीड़ को शांत करना भीड़ को शांत कराना क्या है क्वेल द मॉब है भीड़ को शांत कराना ठीक है मॉब आपको पता है एंग्री मॉब किसे कहते हैं एंग्री मॉब ध्यान रखिए एंग्री मॉब नहीं लिखा जाता है क्यों क्योंकि मॉब का मतलब ही मैंने बताया आपको

इसका एसेंस क्या निकल रहा है तत्व तो क्या निकल रहा है ठीक है एसेंस क्या है तुम्हारी बात का अर्थ क्या है तत्व तो क्या है तुम्हारी बात का ठीक है क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लाइफ एंड डेथ बहुत ही आवश्यक सिचुएशन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन इम्परेटिव है इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी है इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी है मतलब आवश्यक है ऑब्लिगेटरी है आवश्यक है जो करना ही है कंपेलिंग है जो कंपेल करे आपको जो आपको आ, मतलब करना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है प्रेसिंग है बर्निंग डिजायर है अक्यूट आवश्यक भी होता है अक्यूट मैंने आपको पहले भी बताया है अक्यूट मतलब होता है शार्प ठीक है मैंने आपको बताया था कि जैसे अक्यूट एंगल होता है तो ये वाला जो इसका पार्ट है शार्प है तो बहुत ही बुद्धि तेज है जिसकी इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाता है ऑप्टूस ऑप्ट्यूज सिली निपूप ये सारे शब्द बताए हैं जो ऑप्ट्यूज एंगल है ये वाला पार्ट इसका शार्प नहीं होता है तो ये ऑप्ट्यूज हो जाता है ठीक है पैरामाउंट मतलब बहुत आवश्यक प्री एमिनेंट एमिनेंट साइंटिस्ट हींट एमिनेंट एमिनेंट मतलब आवश्यक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट प्री एमिनें बहुत इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंशियल बहुत आवश्यक एंटरनेम हो जाएंगे डिस्पेंसेबल सुपरफ्लूस और नॉन एसेंशियल ठीक है क्लियर चलिए आगे देखते हैं लेट्स नेक्स्ट वर्ड तो इस क्वेश्चन में कह रहा है

अनइक्वल्ड इवेंट जो पहले ना हुआ unmatched event, image, extraordinary भी हो जाएगा जो पहले नहीं होता है extraordinary. Uncommon है unusual है outstanding performance, मतलब बहुत अच्छा जो पहले नहीं हुआ है striking है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा प्रोडिजियस अच्छा अबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है रिमार्केबल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन यूनिक अद्वितीय परफॉर्मेंस एनामलस मतलब कमी खामी टिपिकल परफॉर्मेंस फ्रीकिश मतलब बहुत प्रश्नल देख लिया अब नॉर्मल रिमार्केबल भी मतलब हो जाएगा जो बहुत अच्छा है तो यानी वो पहले कभी नहीं हुआ इतना अच्छा है यूनिक होता है अद्वितीय के सेंस में अनामलस भी हमने देख लिया अटिपिकल फ्रीकिश अनहर्ड है अनवेल मतलब एकदम नया ओरिजिनल नया न्यू नया ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे के सेंस में आता है रिवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस पाइनियरिंग इज द पाइनियर ऑफ एआर पाइनियर मतलब जो सबसे पहले कार्य करता है जो पाइनियर है, मतलब किसी कार्य में जो पहला होता है वो ऑप्शन एक एक, में वर्ड था टार्निश ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको ध्यान से समझना है टार्निश मतलब वर् मतलब मैंने बताया किसी की छवि को खराब करना किसी की छवि को धूमिल करना छवि धूमिल करना ठीक है हो जाएंगे सली अगर आपने जीओटी देखा हो गेम ऑफ थ्रोन्स तो उसमें एक पूरी सेना होती है अनसलीड मतलब जो पवित्र है सली मतलब खराब करना ब्लैक करना किसी पर कालिक पोतना ब्लैक करना स्टेन मतलब होता है दाग दाग अच्छे हैं स्टेन मतलब दाग ठीक है ब्लेमिश करना दाग लगाना ब्लॉट भी होता अ ब्लॉट ऑन माइ फैमिली मतलब धब्बा हो ब्लॉट होता है धब्बा धब्बाट

ब्रैट आता है स्पॉइल्ड ब्रैट मतलब बहुत ही अमीर बाप का बहुत बिगड़ाल बच्चा रून करना खराब डर्टी गंदा डिसग्रेस टू द फैमिली मतलब जो अपय लाए कीर्ति ना लाए ग्रेसफुल हो मतलब बहुत अच्छा डिसग्रेस टू द फैमिली तुम हमारी फैमिली पर धब्बा हो ठीक है मार भी होता है इसी में मार्ड मतलब छवि खराब करना डैमेज डिफेम करना किसी को किसी को डिफेम करना कलमिनेट इंजर चोट पहुंचाना हार्म हानि पहुंचाना हर्ट हानि पहुंचाना अंडरमाइंड करना किसी की बेइज्जती करना डिबेस करना डिग्रेड करना डेनिजरेट करना बेइज्जती करना डिसऑनर करना बेइज्जती करना स्टिग्मेटाइज करना मतलब स्टिग्मा है स्टिग्मा मतलब होता है कि जैसे सोशल स्टिग्मा तो सामाजिक रूप से आपको थोड़ा खराब लग रहा है सोशल स्टिग्मा है किसी चीज को लेकर समाज में स्वीकृति नहीं है स्टिग्मेटाइज करना अस्वीकृति होना ठीक है, करना किसी की छवि खराब करना ड्रैग थ्रू द मड जमीन में रगड़ना रगड़ रहे हो मड स्लिजिंग कर रहे हो कीचड़ उछालना स्मियर करना किसी चीज को खराब करना स्लर स्मियर करना किसी की छवि धूमिल करना कीचड़ उछालना स्लर भी उसी सेंस में आता है एंटोनियम ब्राइट एंड पॉलिश अपलॉट प्रशंसा ठीक है क्लियर ठीक है चलिए

ठीक अंडर रेटेड है मतलब जो गया बहुत ही जो अंडर रेटेड परफॉर्मेंस काफी जिसको रेट कम किया गया है तो उस सेंस में आ जाएगा आ, आ, आपका इनशियल नॉन इंपॉर्टेंट नॉन इसेंशियल पेटी ट्रिपलिंग पिटलिंग हो जाएगा ठीक है पेटी फॉगिंग पुटलिंग स्मॉल स्लाइट लिटिल इनकन्सिडरेबल नेग्लिजिबल पाल्ट्री सम समेटरी मीनिंगलेस पॉइंटलेस वर्थलेस आइडल फिल्म

अनइंपॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट ये हमने इसके पढ़े थे कैजुअल का आंसर मैंने फॉर्मल हम लोगों ने कर रखा है इसके अलावा आ, हमने पढ़ा है कैजुअल फॉर्मल कर रखे हैं सारे आंसर इसके अलावा बाद में पढ़ा था हमने कंसीट कंसीट मतलब एरोगेंट हो जाता है प्राइड है एंटोनिम हो जाता है मॉडेस्टी हमारा हिडन रिवील पढ़ रखा है नार्सिसिज्म सेल्फ एडुलेशन इगोइज्म इगोसेंट्रिक इगोमेनियाक एरोगेंस हिब्रिस बोस्टफुलनेस कॉकीनेस इमोडेस्टी

Blessed है मतलब पवित्र है होली चेस्ट डिवाइन डेडिकेटेड कंसिक्रेटेडिफाइडिकेटेडेड अपोज करना किसी को एनकरेज करना इसका एंटोनिम हमने पढ़ लिया था मोबाइल करना एंटोनिम हमने पढ़ा था स्टैंडिंग इसके बहुत सारे हमने देखे indispensable है जिसे डिस्पेंस नहीं किया जा सकता एंटोनिम हमने देखा था सुपरफ्लूस अनप्रेसिडेंटेड जो जैसा पहले ना हुआ हो विजिलांट आप लोगों ने पढ़ रखा है अनप्रेसिडेंटेड मतलब हो जाता है जो पहले ना हुआ हो टारे छवि धूमिल करना डिरेन्ज मैड

इस, तो इस, तो बैच English English इस बैच में आप एनरोल करोगे तो आपको जीएस इंग्लिश करोगे तो अलावा द्रोणाचार्य बैच में आप एनरोल कर सकते हो कंप्लीट क्लासेस uh, आपको इसमें मिल जाती है एवरीथिंग की तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है अब तक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ठीक है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है यहाँ पर इसके नीचे आपको प्रीवियस ईयर कैब्रेरी नाम से चैप्टर मिलेगा वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड हैव अ वेरी डे थैंक यू सो मच बाय